last three topics of chapter 4, that is reproductive health for class 12 students. Our today's topics are medical termination of pregnancy, that is MTP, then sexually transmitted diseases, means STDs, and lastly infertility and assisted reproductive technologies. Okay? चलिए शुरू करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में. आज जानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. एक्चुअली प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पूरा होने से पहले जब उस प्रेगनेंसी को इंटेंशनली या वॉलंटरीली जब उसको टर्मिनेट करा दिया जाता है तब इसको कहा जाता है एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ठीक है, यानी हम उस बच्चे को पूरी तरीके से जेस्टेशन पीरियड के अंदर कम्प्लीटली डेवलप नहीं होने देते और उसके बीच में ही उसको रुकवा के अबॉर्ट कर दिया जाता है. दिस इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. एक्चुअली हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन तक एमटीपी होते हैं हर साल. ओके, यानी अगर देखा जाए तो पूरे साल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं उनका 1/5 पोर्शन ये अबॉर्शन का एमटीपी का होता है, यानी लगभग 20% एमटीपी अबॉर्शन होते हैं. राइट, और इसके साथ में कुछ सोशल, कुछ इमोशनल और भी दूसरे इथिकल रिलीजियस एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये एमटीपी कंडक्ट करानी पड़ती है. अब एमटीपी में एक्चुअली पहले इंडिया को ये सोचना पड़ रहा था कि इसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, इसको लीगलाइज करें या ना करें. तो फाइनली इन सब चीजों के ऊपर वैसे तो बहुत डिबेट होती आ रही है कई देशों में, लेकिन 1971 में इंडिया ने इसको लीगलाइज किया लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के ऊपर. ठीक है, अब इसको लीगलाइज करने का पर्पस ऑब्वियसली यही था कि हम किसी भी तरीके से जो फीमेल फेटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोका जा सके. ठीक है, ताकि लोग इसका मिसयूज ना करें. ऑब्वियसली मेन मोटो यही था. अब बात आती है कि आखिर एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है, मीन्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट एमटीपीज. देखिए इसकी एक्चुअली चार सिचुएशंस हैं. जैसे अगर किसी केस में अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है वहां एमटीपी की जरूरत पड़ सकती है. सेकेंडली जो रेप जैसे सीवियर क्राइम्स होते हैं वहां एमटीपी जरूरी है. ठीक है, तीसरा जो कंट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट किया किसी कपल ने, अगर वो किसी तरीके से फेल हो गया तो उसके फेलियर की वजह से भी एमटीपी की जरूरत पड़ सकती है वहां पे. और इसके साथ साथ एक वो सिचुएशन आती है जब पेरेंट, जब लगता है कि मदर को या बेबी को या उन दोनों की जान को खतरा है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो उन दोनों की जान के, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ के लिए कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये अबॉर्शन या एमटीपी कराने पड़ते हैं. तो ये तो इनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं जहां पर ये नेसेसरी है, इसकी जरूरत महसूस होती है. ओके, अब एमटीपी में एक्चुअली अगर हमें अबॉर्शन कराना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी शुरू के 12 हफ्तों के अंदर एमटीपी सेफ रहता है कुछ हद तक, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में या 3 महीने के बाद, 12 हफ्ते निकलने के बाद, वो थोड़ा सा अबॉर्शन थोड़ा रिस्की हो जाता है. ओके, इट इज रिस्कियर नाउ. अब इसके साथ साथ हमारे देश में दो एक बड़े ही गलत प्रैक्टिसेस, एक गलत ट्रेंड्स चले आ रहे हैं. पहला तो ये है कि लोग इस एमटीपी को कंडक्ट कराने के लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अनएजुकेटेड, अनक्वालिफाइड और इलीगली तरीके से किसी भी अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उसको कंडक्ट कराते हैं, जो कि पूरी तरीके से अनसेफ है और जानलेवा भी है. ठीक है, ये एक बहुत गलत ट्रेंड हमारे देश में चला रहा था. नेक्स्ट सेकंड इज कि इसको कंडक्ट कराने के लिए लोग किसी तरीके से जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस आप समझते हैं, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिंग का पता लगा लिया जाता है ना, तो इस एमनियोसेंटेसिस का भी मिसयूज होता है. यानी अगर उन्हें पता चलता है कि अब इस फीमेल की, इस लेडी के गर्भ में अगर कोई लड़की पैदा होने वाली है तो वो इस फीमेल चाइल्ड को
जर्म यूनिट से पहले ही अबॉर्शन करा देते। तो ये एम्नियोसेंटेसिस का एक मिसयूज है, बहुत बड़ा सीवियर क्राइम है ये, और इसी के लिए सरकार ने इसको बैन कर रखा है कि किसी तरीके से इसका मिसयूज नहीं होगा, फीमेल भी डिसाइड नहीं होगा, और इसकी वजह से हमारा मेल और फीमेल सेक्स रेशियो है वो काफी पुअर होता जा रहा है, राइट। सो एमटीपीज के लिए ये चीज है आपको ध्यान रखनी है कि एक तो लोगों में इसको अवेयरनेस फैलानी जरूरी है कि किसी तरीके से जहां तक पॉसिबल हो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ना करें, और फीमेल फिटिसाइड जैसा ये सीवियर क्राइम कोई ना करे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, मल्टीपल सेक्स कॉन्टेक्ट से फैलती है, ट्रांसमिट होती है। इसका दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीजेस भी बोलते हैं इनको, वेनेरियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है इनको। इसके कुछ नाम मैंने बोर्ड पे लिखे आपको दिख रहा है, हेपेटाइटिस बी, HIV यानी एड्स, देन जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ट्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। तो ये वो डिजीजे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती है। और अगर इसमें एड्स की मैं बात करूं तो एड्स के केस में आप जानते हैं कि ये चार तरीके से ज्यादातर फैलता है। पहला एड्स फैलने का तरीका कि अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेकेंड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, थर्ड जो इन्फेक्टेड नीडल के कॉमन शेयरिंग से, और फोर्थ इन्फेक्टेड मदर से उसके यूटरस में डेवलप होने वाले बेबी को। तो ये चार तरीके से एड्स की ट्रांसमिशन होती है। ओके, अब इन डिजीजेज में एक्चुअली शुरुआत में जो इसके सिम्टम्स हैं वो काफी माइनर होते हैं। माइनर सिम्टम्स का मतलब कि उसमें हल्का दर्द आएगा, जेनिटल एरियाज में थोड़ा इचिंग होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों पे जल्दी से ध्यान नहीं जाता, और इसके साथ कुछ सोशल स्टिग्मा लगे रहते हैं लोगों के, तो इस वजह से जो फीमेल है वो इसको इग्नोर करती रहती है। लेकिन बाद में आगे चल के जब इसके सीवियर इफेक्ट्स नजर आते हैं, जब सीवियर इल इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं, तो उसमें इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट भी हो सकता है। ओके, तो इन सब चीजों को सीवियरली लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके इसको अर्ली स्टेज में ही क्योर कराएं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ इसका शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में एक्चुअली इनफर्टाइल कपल्स वो कपल्स कहलाते हैं जो अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बावजूद भी दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ यंग वन, यानी वो किसी भी तरीके से अपने शरीर के अपने सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा किसी नवजात शिशु को, किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो, चाहे वो इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो, ठीक, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, तो चाहे वो कंजेनाइटल डिजीज का फैक्टर हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, तो ये सारी चीजें जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको डिक्रीज करती है और उसके अफेक्ट करती है बैडली। अब ऐसे इनफर्टाइल कपल्स जो इनफर्टिलिटी यूनिट्स हैं, जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर डॉक्टर से गंज को रिमूव कर सकते हैं, बच्चों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पहला कि दे कैन गो टू कंसल्ट डॉक्टर एंड दे कैन रिमूव दैट, दे कैन गेट इट रिमूव्ड, बट अवर फैक्टर इज वर्किंग बिहाइंड दैट। तो उस फैक्टर को रिमूव करा के उसको करेक्ट करा के ये उस दिक्कत से बाहर आ सकते हैं और अपने संतान को सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर करेक्शन के थ्रू ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तब उसके लिए साइंस की जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उसका सहारा ले सकते हैं ये, यानी किसी न किसी मदद से ये सुख प्राप्त किया जा सकता है। अब वो जो टेक्नोलॉजीज है उनको हम नाम देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मीन्स आर्ट, शॉर्ट में आप आर्ट कह सकते हैं इसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें चार कंडीशन है जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़नी है ध्यान से। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके आपने जाना सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स को या किसी मेल डोनर के स्पर्म को और वाइफ के ओवम को
या किसी फीमेल डोनर के ओवम को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया जाता है, उनको जायगोट फॉर्मेशन कराई जाती है, और उस जायगोट की जब क्लीवेज स्टार्ट होती है तो 8 ब्लास्टोमियर वाली जो कंडीशन है जायगोट के क्लीवेज में, मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज को जब उसके मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, वी कैन से इन मॉरुला स्टेज, तो उसको बोला जाता है ज़िफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको ज़िफ्ट के थ्रू उस मदर की उस लेडी के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन मॉरुला स्टेज, इन द स्टेज ऑफ 8 ब्लास्टोमियर्स, ओके। और इसके बाद जब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हो जाते हैं, यानी व्हेन इट कम्स इनटू ब्लास्टोसिस फॉर्म, देन दिस इज ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ दैट लेडी, दैट वुमेन, एंड दिस इज नेम्ड एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ओके। तो इस तरीके से फिर वहां पर उसका फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है, प्रॉपरली दे कैन हैव अ बेबी, दे कैन हैव ए चाइल्ड। सेकेंड कंडीशन है गिफ्ट, GIFT में क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उसी को किसी फीमेल से बॉडी से निकाल के हम किसी ऐसी फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं जो ओव्यूलेशन नहीं कर पाती, जिसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन वो उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर पार्टी गेस्टेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है अपनी बॉडी में, तो इसलिए उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, उस केस में जब उसके अंदर, उस लेडीज के अंदर, उस वुमेन के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल हो उसके शरीर में। नेक्स्ट कंडीशन इज, एक और हमारी सिचुएशन है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज